उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने चार विदेशी ठगों को काबू किया है। आपको बता दें कि यह ठग ऑनलाइन ठगी करते हैं। इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट बना रखी है, जिसके माध्यम से यह लोगों को शादी के लिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की दिलाने के नाम पर एक अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। इस साइट के माध्यम से यह अलग अलग तरीके से लालच देकर भी ठगी करते हैं। आपको बता दें कि इन चारों विदेशी ठगों ने एक महिला को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया, जिसकी शिकायत एक महिला ने पुलिस को दी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ करीब 6 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि हरदोई पुलिस ने यूपीएसटीएफ की सहायता से ठगों का पता लगाया, जिसमें 4 नाइजीरियन ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन आरोपियों के पास से भारी संख्या में फर्जी पासबुक, एक्टिवेटेड सिम व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बताते चले कि हरदोई पुलिस ने दिल्ली के गोविंदपुर थाने के तुगलकाबाद इलाके से इन चारों विदेशी ठगों को गिरफ्तार किया है। हरदोई की एक महिला को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए इन चारों विदेशी ठगों ने अपना शिकार बनाया। करीब 6 लाख रुपयों की ठगी की शिकायत महिला ने शहर कोतवाली में की थी, जिसके बाद यूपीएसटीएफ की सहायता से हरदोई पुलिस ने मांगी। इस पर एसटीएफ ने सर्विलांस के जरिए इन आरोपियों की खोज शुरू कर दी। अंत में जानकारी हुई कि नाइजीरिया के कुछ नागरिक हैं, जो पूरे देश में इस ठगी के काम को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली से गिरफ्तार हुए चार विदेशी ठगों ने अभी तक यूपी, एमपी सहित अन्य तमाम राज्यों में भोली भाली जनता को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अब ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में है और इन्हें आज मेडिकल करवा कर जेल भेज दिया जाएगा। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कौन ये लोग थे और किस तरह से जो है ये फोर्जरी की वारदातों को अंजाम देते थे? ये यहाँ पे केस रजिस्टर हुआ था, आईओ ने रिक्वेस्ट की थी एसटीएफ से मदद के लिए, तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के उसके माध्यम से उनको ट्रेस किया, फिर मुखबिर वहाँ मामूल किए, तो पता चला कि एक नाइजीरियन सिटीजन का एक गैंग है जो ऑल ओवर इंडिया इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को करता है। हम लोगों ने वहाँ पे लोकल सर्विलांस के माध्यम से और जाके हम लोगों ने इस चीज़ को जानकारी की। गली नंबर 19 में ये गैंग रुक के मकान बना रहे थे, फिर हमने आईओ को बुलाया। उसके बाद आईओ जो है उसके साथ हमने रेड डाली और रेड में इनके पास से तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, डोंगल है और वाईफाई, बहुत संख्या में फेक पासबुक फर्जी जैसे लैपटॉप आदि मिले। ये लोग जो हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से पहले अपने शिकार को पहले तलाशते हैं, फिर इसके बाद कन्वर्सेशन करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उसको लाइक करते हैं और उसके बाद जो है पैसे की बात को किसी तरह का प्रलोभन देके बोली वाली जनता को गुमराह करके पैसे बैठते हैं। ये गैंग जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कई जगह पूरे इंडिया में बहुत सारे इस तरह के अपराध किए हैं, जिसके बारे में एसटीएफ अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से फेसबुक और उस पर ट्विटर पर, मतलब क्या कोई लिंक वगैरह देते थे या फिर चैटिंग करते थे, किस तरह से? मैट्रिमोनियल साइट्स, उसमें किसी ने डाला तो उसको देखा उन्होंने और उसको फेसबुक में अपना एक फर्जी आईडी बना के उससे कन्वर्सेशन शुरू किया। धीरे धीरे उससे बात बढ़ती गई और बात बढ़ने के बाद उससे फिर इस तरह का प्रलोभन दे के कि हम आपको गिफ्ट भेज रहे हैं या कर रहे हैं, पौंड भेज रहे हैं, जो कस्टम्स में फंसा हुआ है, इस तरह करके वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फर्जी पासबुक भी इनके पास से, इनके पास फर्जी पासबुक हुई है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पासबुक बहुत सारी संख्या में, नियरली 100। क्या नाम है सर? आपका नाम और परिचय? मैं पंकज मिश्रा, निरीक्षक हूँ UPSC। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।